माही के जोखिम भरे वो फैसले जिन्होंने धोनी को बनाया दुनिया का सबसे सफल कप्तान। वो मैच जिसमें टीम इंडिया मान चुकी थी हार, तब धोनी ने अपने आंकड़ों के फैसले से टीम को दिलाई थी जीत। माही के वो जोखिम भरे फैसले जिसने गांगुली और रवि शास्त्री जैसे कप्तानों को भी हिलाकर रख दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 42 वर्ष के हो गए। गेंद पर निर्ममता से प्रहार करने वाले MSD को जब G20 वर्ल्ड कप 2007 से पहले भारतीय टीम की बागडोर सौंपी गई, तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सेलेक्टर्स का यह फैसला भारतीय क्रिकेट को नई दिशा और दशा देने वाला होगा। धोनी आज भारत के सबसे सफल कप्तान है। मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत बने रहना और किसी प्लेयर से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराने की उनके कौशल की पूरी दुनिया कायल रही है। इसी खूबी की वजह से इस विकेट कीपर बल्लेबाज को कैप्टन कूल का नाम मिला। कप्तान के तौर पर धोनी जोखिम लेने से कभी नहीं डरे। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए जो गलत साबित होने पर उनकी हर तरफ आलोचना का कारण बन सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वे ऐसे फैसले लेने से हिचके नहीं। बाद में यही फैसले धोनी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुए। कप्तान के तौर पर धोनी के प्रमुख फैसलों पर आइए एक नजर डालते हैं। सचिन, राहुल और गांगुली की T20 से विदाई। T20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले धोनी को कप्तानी सौंपी गई थी। कप्तानी सौंपे जाने के दौरान ही उन्होंने सेलेक्टर्स को साफ संदेश दे दिया था कि सचिन, सौरभ और राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर्स अब T20 के फ्रेम में फिट नहीं होते और उन्हें युवा तेज तर्रार प्लेयर्स की जरूरत है। जाहिर है इस तरह का निर्णय लेना बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि यह तिकड़ी भारतीय टीम की बैकबोन थी। धोनी पर भरोसा कर सेलेक्टर्स ने उन्हें युवा टीम सौंप दी। इसमें 2007 का T20 वर्ल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। सुपर ओवर वाले मैच में स्पिनरों पर दांव लगाया। T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला रोमांचक उतार चढ़ाव के बाद टाई रहा। इस कारण फैसला सुपर ओवर में गया। धोनी जानते थे कि धीमी गति होने के कारण स्पिनरों की गेंदों को विकेट को हिट करने की ज्यादा संभावना होती है। ऐसे में उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह और नॉन रेगुलर बॉलर रॉबिन उथप्पा को बॉल फेंकने का मौका दिया। ये फैसला क्लिक कर गया। तीनों बॉलर विकेट को हिट करने में सफल रहे और भारत मैच जीत गया। T20 वर्ल्ड कप 2007 में जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर देना। T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। मैच में धोनी ने नए नवेले जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर फेंकने का मौका दिया, जबकि प्रमुख बॉलर हरभजन सिंह का ओवर भी आना बाकी था। कैप्टन कूल ने इस बात को ध्यान में रखा कि आखिरी ओवर में स्पिनरों के पिटने की ज्यादा आशंका होती है। वैसे भी इस मैच में मिसबाह उल हक ने हरभजन की गेंदों पर काफी प्रहार किए थे। जोगिंदर को आखिरी ओवर देने का निर्णय काम कर गया। शुरुआती कुछ गेंदें वाइड फेंकने और छक्का खाने के बावजूद उन्होंने मिसबाह को आउट कर भारत को जीत दिला दी। रोहित शर्मा से वनडे में ओपनिंग कराना। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे, लेकिन गेंद को हिट करने की क्षमता के कारण उन्हें धोनी ने वनडे में पारी शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये फैसला बेहतरीन रहा और रोहित शर्मा शिखर धवन की प्रारंभिक जोड़ी ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और टीम की कई जीतों में अहम रोल निभाया। तो ये है वो धोनी के फैसले जिन्होंने धोनी को सबसे सफल कप्तान बना दिया। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।